अरे पूनम, अलमारी में से 3,000 रुपए देना जरा। क्यों, क्या काम है? अरे वो माँ का कूलर खराब हो गया, सोच रहा हूँ नया कूलर ले आता हूँ। बेचारे पंखे की गर्म हवा में सोती है। कोई जरूरत नहीं है नया कूलर लाने की, हॉल में ऐसी लगी है वहाँ पे सो जाएगी। तुम्हें पता है ना, माँ को अपने रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती। हाँ मुझे पता है, इसलिए बोल रही हूँ। माँ पर फालतू खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ नहीं देके जाने वाली। हेलो। हेलो दीदी, माँ को डिहाइड्रेशन हो गया है, फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है आती हूँ। पर ऐसे कैसे बीमार हो गई? वो आपको तो पता है, माँ के रूम का एसी खराब हो गया है और टेम्परेचर 45 डिग्री के बाहर जा रहा है, इसलिए गर्मी की वजह से बीमार हो गई। सुनो ना, वो माँ के रूम की एसी खराब हो गई, किसी एसी वाले को भेजो ना, और देखो ना माँ की तबीयत भी खराब हो गई। अरे वाह पूनम, एक माँ माँ और दूसरी माँ बोझ। मेरी माँ भी तो तुम्हारी माई लगती है ना, कभी उनके बारे में भी दिल से सोच लिया कर, गर्मी होने भी लगती होगी यार। ए जी, ऐसा का देख ले रही हमरा में कि रउआ हमरा से ब्याह कर लेनी? तोहर माई बाबूजी के रुपया का कहले है? हमर माई बाबूजी के रुपया देख रउआ ब्याह कर ले रही हमरा से। अरे हम कहले है ना कि तोहर माई बाबूजी और तहार रूपावा, रूपा माने रूप सुंदरता। अच्छा ऐसा कहले रही, तब तो ठीक बा। नो 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 नो। सुनो, आपने शादी से पहले मुझसे एक वादा किया था कि आप शादी के बाद अपनी माँ को कहीं और शिफ्ट कर दोगे, लेकिन आपने तो ऐसा किया ही नहीं। हाँ नहीं किया, क्योंकि उस माँ को मैं घर से कैसे निकाल सकता हूँ जिसने मुझे जन्म देकर पाला पोसा और मुझे ये दुनिया दिखाई। और वैसे भी तुझे तो उस माँ के कदम छूने चाहिए जिसने मुझे जन्म देकर तेरे काबिल बनाया। जन्म दे दी है जो माँ जिसे जग कहे।